नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। एक और जहां सरकार ऑफिसों में थंब इंप्रेशन से अटेंडेंस न लगाने पर जोर दे रही है, इस तरह के आदेश जारी हुए हैं, वहीं दूसरी ओर इस आदेश के उलट किसानों को जो राशन दिया जा रहा है उसको ऑनलाइन देने के आदेश जारी किए हैं, जिसमें किसानों को थंब इंप्रेशन लगाना आवश्यक है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों द्वारा ऑफलाइन राशन वितरण की मांग की जा रही है। कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव से बचने के लिए सभी शासकीय उचित मूल्यों की दुकानों में शासन ने निर्देश दिया था कि राशन वितरण के दौरान उपभोक्ताओं से थंब न लगवाई जाए, लेकिन अब इस व्यवस्था में दोबारा परिवर्तन कर ऑनलाइन राशन वितरण का निर्देश जारी कर दिया है, जिसको लेकर दुकानदार और उपभोक्ता पशोपेश में दिखाई दे रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन के निर्देश पर यह व्यवस्था बदली गई है, जिससे कोरोना वायरस का प्रभाव बढ़ सकता है। उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली में इस बात का समर्थन करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजीव खंडेलवाल ने वितरण व्यवस्था में ऑफलाइन राशन वितरण की मांग की है। इस संबंध में जब जिले के कलेक्टर स्वरोचिश सोमवंशी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को जल्द ठीक किया जाएगा। कल दिनांक 22 तारीख से इसको सिस्टम ऊपर से शासन द्वारा POS मशीन को अपडेट कर दिया गया, जिसके तहत हितग्राही के परिवार का सदस्य जब तक उसमें अंगूठा वेरिफिकेशन नहीं करेगा, थंब उसका जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक उसको खाद्यान्न नहीं मिलना है। क्योंकि POS मशीन पर यदि सारे लोग आकर के बार बार उस थंब उस पर लगाएंगे तो जो स्कैनर है वहाँ पर कहीं ना कहीं संक्रमण की खतरा उत्पन्न होता है। लेकिन चूँकि अब शासन के निर्देश हैं और गरीबों के कल्याण के लिए हमको ये काम करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग उसका काम करते हैं और शासन के निर्देशों का पालन करते हैं। पहले तो ये था कि ऊपर से हमारे विभाग से निर्देश सरकार से आया, कलेक्टर साहब के नागरिक आपूर्ति से आया कि यहाँ बिना थंब लगाए हुए वितरण किया जाए राशन। फिर इसके बाद 21 तारीख को तत्काल बदल दिया गया कि बिना अंगूठा लगाए अब राशन किसी को दिया नहीं जा रहा है, इसलिए हमने लोगों ने फिर से अंगूठा लगवाना शुरू कर दिया। बिना अंगूठा लगवाए दिया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर उसमें अंगूठा नहीं लगवाते तो इनका राशन नहीं निकलेगा। शासन की जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें ऑफलाइन मोड को भी अनुमत किया गया है। अगर कहीं पर इसको कंपल्सरली अंगूठा लगवा रहे हैं तो इसको मैं जिला स्तर से एक आदेश जारी करके इसको ठीक करता हूँ। अभी वर्तमान समय में जो मुझे पता पड़ा है कि वास्तव में थंब इंप्रेशन चालू कर दिया गया है। मेरा खास करके इस थंब इंप्रेशन को लेकर ये कहना है, चूंकि कि जो कोरोना वायरस है आप सब जानते हैं ये टच से और एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, तो यदि ये नियम अभी लागू किया गया है तो ये इस वायरस को बढ़ाने की तरफ कदम होगा। शासन से मेरा निवेदन है कि अभी कुछ समय के लिए, जब तक जैसे 3 मई तक के लिए लॉकडाउन है की सीमा है, तब तक के लिए जो राशन वितरित किया जा रहा है वो विदाउट थंब इंप्रेशन वितरित किया जाए।